हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर। ओके, और देखिए इसमें खास बात यह है कि हमें चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। तो स्टूडेंट, अभी तक इससे पहले जो भी हमने डेरिवेशंस को यहाँ पर डिस्कस किया था, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट केस में था कि हमारे पास जो चार्ज उसके सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब जो चार्ज है ये इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे फर्स्ट हमें एक हेमिस्फीयर बनाना होगा। तो हम यहाँ पर एक हेमिस्फीयर लाइक शेप बनाएंगे। ओके, इट्स आवर हेमिस्फीयर। ओके, इसको थोड़ा सही बना लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमें इस हेमिस्फीयर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास टोटल चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमें इसके सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सेंटर नहीं बन पा रहा। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। ओके, और इसके सेंटर में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट, हमें इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कांस्टेंट गिवन है स्टूडेंट। और आप सभी लोगों को पता है कि हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किस तरीके से लिखते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, रो इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टाउ, या इसी को लिखते हैं डी वी लिखा जाता है स्टूडेंट। दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहां से हमें इस वॉल्यूम एलिमेंट को यहां पर लिखना होगा। लेकिन उससे पहले समझे कि हमने यहां पर एक वॉल्यूम चार्ज वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर किया। लाइक सपोज दैट स्टूडेंट, हमने यहां पर एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर किया और इस वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से इस सेंटर ओ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, यहां पर देखिए हमारे पास जो ये वॉल्यूम एलिमेंट है डी टाउ, ओके, तो इसको किस तरीका से हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस वॉल्यूम एलिमेंट को इस तरीका से लिखते हैं, दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाइ। तो स्टूडेंट, ये रहता है हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट इन अ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आप, ये लेट सपोज दैट इट इज अ जेड एक्सिस। ओके, और ये हमारे पास, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, और हम ये कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास, सॉरी, इसको हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर लाइक सपोज दैट ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो हमारे पास स्टूडेंट, हम ये यहाँ पर तीनों एक्सिस को हमने चूज कर लिया, ठीक है। तो लाइक सपोज दैट जो ये हमारे पास ये वाला एक्सिस है, हम ये कहेंगे कि ये हमारे साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है जेड एक्सिस के साथ। आप सभी लोगों को पता है कि जेड एक्सिस के साथ इस पोजिशन वैक्टर का जो ये, दिस इज अवर पोजिशन वैक्टर, इस वॉल्यूम एलिमेंट का पोजिशन वैक्टर है। तो ये पोजीशन वेक्टर इस वॉल्यूम एलिमेंट के साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है। और लेट सपोज दैट कि दिस इज आवर फाई एंगल, ये हमारे पास फाई एंगल होगा स्टूडेंट, क्योंकि इस वॉल्यूम एलिमेंट का प्रोजेक्शन इस एक्स वाई प्लेन में जहां पर भी होगा, और वो जो प्रोजेक्शन होगा वो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा उसी को हम फाई एंगल कहते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, इस वॉल्यूम एलिमेंट की हेल्प से लेट सपोज दैट वॉल्यूम एलिमेंट में जो चार्ज होगा उसको हम डी क्यू कंसिडर करेंगे। तो नॉर्मल हमें नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, यानी डी
डीई इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू। तो स्टूडेंट यहां से हम देखेंगे डीई, यहां से हमने देखना है डीई इक्वल टू दिस इज के, के इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की वैल्यू रहती है स्टूडेंट 1/4 pi epsilon 0, ठीक है। और हमारे पास डी क्यू चार्ज होगा और डिवाइड बाय और डिस्टेंस यानी सेपरेशन यानी इस चार्ज एलिमेंट से इस ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस। तो ये होगी हमारे पास स्टूडेंट आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए हम इस डी क्यू को लिखने वाले हैं। डी क्यू को किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास इस डी क्यू एलिमेंट को हम लिखेंगे रो टाइम्स डी टाउ। तो यहां से देखिए स्टूडेंट वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास रो वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाइव। अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास है के और डी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रो टाइम्स दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डिवाइड बाय आर स्क्वायर हमारे पास मिल जाएगा स्टूडेंट दिस इज द वैल्यू ऑफ डी ई। तो यहां से देखिए स्टूडेंट आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास वेरिएबल बचेंगे, सॉरी यहां पर एक टर्म और होगा डी आर एंड डी फाइव। तो यहां से हमारे पास बचेगा स्टूडेंट डी की वैल्यू मिल जाएगी हमें के रो और साइन थीटा डी आर डी ऑफ थीटा एंड डी ऑफ फाइव हमें मिल जाएगा स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट इसके जो डी के कंपोनेंट्स, अब हमें देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो सिमेट्रिक एक्सिस के मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सिमेट्रिक एक्सिस होगी वो जेड एक्सिस होगी और जेड एक्सिस के अलोंग ही हमें क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं डी ई एक्स या डी ई वाई ये सभी हमें स्टूडेंट जीरो वैल्यू देते हैं, सिर्फ हमें नॉन जीरो वैल्यू देता है डी ई जेड। तो हम यहाँ से स्टूडेंट ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये जेड एक्सिस के साथ लेट थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो थीटा एंगल अगर ये फॉर्म करता है जेड एक्सिस के साथ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई जेड हमें जो मिलेगा वो डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट मिलेगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी जेड डायरेक्शन में डी ई जेड डायरेक्शन में हमें जो मिलेगा वो डी ई का कॉस कंपोनेंट मिलेगा स्टूडेंट, हम इस तरीके से लिखेंगे। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, हाँ बिल्कुल हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे देन वी गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको अगर हम इरेज कर दें तो कोई चेंज आएगा, नो देयर इज नो चेंज। अब इसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से मिलेगा, तो हम यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे ई जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई जेड लिखेंगे और यहां पर देखिए डी ई जेड की वैल्यू हम लिखेंगे डी ई कॉस ऑफ थीटा ओके। अब यहां से स्टूडेंट यहां पर डी की वैल्यू हम रख लेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट जैसे इंटीग्रेशन के रो साइन थीटा, ठीक है साइन थीटा डी आर डी ऑफ थीटा डी ऑफ फाइव एंड साथ ही हमारे पास कॉस ऑफ थीटा भी मिल जाएगा स्टूडेंट डिवाइड बाय कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखिए स्टूडेंट हम यहां से अब जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन आएगा स्टूडेंट, यहां पर देखिए हमारे पास डी आर डी थीटा डी फाइव है तो यहां पर ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम यूज करेंगे, ठीक है। एक इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट हमारे लिए आर डायरेक्शन में और एक इंटीग्रेशन होगा थीटा डायरेक्शन में और एक जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा फाइव डायरेक्शन में होगा।
तो इसको अगर हम सेपरेट कर दें, कांस्टेंट को बाहर ले लें, के रो हमारे पास कांस्टेंट है, और सबसे पहले हमने स्टूडेंट यहां पर देखना है कि हमारे पास डी आर वाला टर्म, तो हमारे पास इस तरीके से डी आर टर्म आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम थीटा वाला टर्म्स को देखते हैं, तो हमारे पास थीटा वाला टर्म आ जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर इसके बाद फाइव वाला टर्म स्टूडेंट फाइव वाला डी फाइव ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है स्टूडेंट कि हम लिमिट क्या रखेंगे, तो लिमिट थीटा की लिमिट स्टूडेंट जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया था कि थीटा विल चेंज फ्रॉम जीरो टू पाई, तो हमारे पास जो थीटा की लिमिट रहेगी स्टूडेंट जीरो टू थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू के बीच में रहेगा। तो स्टूडेंट देखिए ये एंगल जो होगा दैट विल बी पाई बाई टू, तो थीटा चेंज होगा सिर्फ जीरो से लेकर पाई पाई बाई टू के बीच में, ठीक है। जब होल स्फीयर होता है हमारे पास तो उस केस में थीटा जीरो टू पाई चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हेमी स्फीयर है, सो यहाँ पर जो एंगल थीटा में चेंज आएगा वो पाई बाई टू के बीच में, जीरो से पाई बाई टू के बीच में। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो आर में चेंज आएगा, आर कैन चेंज फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर बिकॉज द रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर इज कैपिटल आर, तो यहाँ पर जो रेडियस में चेंज आएगा आर इक्वल टू जीरो टू आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट फाइव में चेंज कहां से कहां तक आएगा, तो फाइव में चेंज स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये जो फाइव एंगल है ये फाइव एंगल कैन चेंज टू पाई एंगल, है ना, ये रोटेट करेगा इस पॉइंट के अबाउट इस तरीके से। ये पॉइंट अगर यहाँ पर होगा और यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यानी चारों तरफ में भी कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे फाइव की लिमिट फाइव इक्वल टू जीरो से लेकर टू पाई के बीच में, तो यहां से स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है इसकी वैल्यू हम देखेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आर, तो आर में अगर हम जीरो से लेकर आर तक वैल्यू को रखेंगे तो सिंपली हमारे पास आर मिल जाएगा स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इससे लास्ट लेक्चर में मैंने इसको सॉल्व किया था, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक टर्म और आएगा, दिस इज डी ऑफ थीटा, तो इसको सॉल्व किया था स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 आई थी, तो हम इसके प्लेस पे 1/2 रखेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पर भी हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन फाइव मिलेगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा दिस इज 2 ऑफ पाई, तो स्टूडेंट यहां से हम के की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देते हैं, दिस इज 1/4 पाई ε0 रो आर 1/2 × 2 पाई, तो यहाँ से स्टूडेंट जो भी टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर ये दिस इज अवर आर, तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास आया रो आर अपॉन 4 ε0, तो ये स्टूडेंट हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेवी स्फीयर।